बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब से कुछ ही देर पहले मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल ने यह ऐलान किया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि कौमी एकता दल, जी हां यही वो पार्टी है जिससे माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछली बार वो BSP के टिकट पर लड़े थे, लेकिन कौमी एकता दल की तरफ से कह दिया गया कि चुनावी मैदान में कोई भी उनका उम्मीदवार नहीं होगा, यानी मुख्तार अंसारी का चुनाव लड़ना अब एक तरह से बनारस से रद्द। लेकिन दूसरी तरफ क्या इससे ध्रुवीकरण में आप देखेंगे कि और भी इजाफा होगा? क्या मुख्तार अंसारी का चुनावी मैदान में नहीं उतरना एक रणनीति के तहत लिया गया फैसला है? क्या अन्य किसी पार्टी को वो समर्थन देते हैं? क्योंकि याद रखिए, बनारस में जो वोट बैंक है, जो एक बहुत बड़ा तबका, लगभग 2.5 से 3 लाख अगर ब्राह्मण है तो उतनी ही तादाद में यहाँ पर मुस्लिम वोट भी हैं। पिछली बार भी मुख्तार अंसारी को जो BSP ने उतारा था तो लगभग 27% वोट इन्होंने लिए थे। अजय राय तीसरी स्थान पर रहे थे और उन्हें लगभग 16 से 17% वोट मिले थे। पहले स्थान पर मुरली मनोहर जोशी BJP के रहे थे। तो क्या इसी के मद्देनजर ध्रुवीकरण हो और अगर जो मुस्लिम मतदाता है वो सभी किसी एक पार्टी के साथ हो जाता है तो एक प्रबल जंग दी जा सकती है, लड़ाई दी जा सकती है नरेंद्र मोदी को? क्या इसीलिए ये फैसला लिया गया है? तस्वीर पूरी तरह से अभी साफ नहीं है, क्योंकि कौमी एकता दल की तरफ से कहा जरूर गया है कि वो किसका साथ देंगे ये अभी वो तय करेंगे, लेकिन पूरी तरह से अन्य पार्टी किस पार्टी का साथ देंगे ये अभी साफ और तय नहीं किया गया है।